ऐसा कुछ खाती है जो डे बाय डे सुंदर दिखती जा रही है? वो आप बुक पढ़ लो, उसके अंदर पूरा डिटेल में लिखा है कि पहले क्या खाती थी, फिर क्या चेंज किया, उसके बाद अभी क्या खाती हूँ, पूरा प्लान आपको दिखेगा। बट मैं अच्छे से खाती हूँ और काफ़ी खा लेता हूँ। वाह, आप बताइए कि तापसी की यहाँ पर हैं, सो एसोसिएशन कैसा रहा एसोसिएशन तापसी जी के साथ में, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब एक्सपीरियंस तो मेरा इनके साथ चल ही रहा है, इंशाल्लाह कभी ख़त्म ना हो। तो तापसी मेरी पहली क्लाइंट थी फ्रॉम द इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री से मेरी वो पहली क्लाइंट थी, तो पहला हमेशा जो होता है बहुत स्पेशल होता है। वैसा ही रहा है हमेशा से, वेरी स्पेशल बॉन्ड। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे एक सपोर्ट फील होता है, आई फील दैट शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी एंड शी इंस्पायर्स मी, लाइक शी इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ वीमेन एंड लॉट ऑफ मेन ऑल्सो, बट यू नो, सो वैसा ही रहा है कि वो हमेशा इंस्पायर करती हैं, सपोर्ट करती हैं मेरे हर काम को। और मैं कुछ भी करूं तो जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वो छोटा सा ही कुछ अचीवमेंट हो, हम अपने फैमिली को तुरंत जाके बोलते हैं, वैसे ही मैं हमेशा इनको एक मैसेज करती हूँ, जो मैं सबको नहीं करती हूँ बट मैं इनको हमेशा करती हूँ, बिकॉज मुझे ये यू नो हमारे एसोसिएशन से यू नो ये एक बाई बात है ना, दैट आई नो कि शी ऑलवेज़ यू नो विशेज़ वेल फॉर मी, ये हमेशा मेरे लिए अच्छा चाहती हैं, खुश होती हैं मुझे ग्रो करता हुआ देख के। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं हमेशा इनको एक बताती हूँ बिजी स्केड्यूल के बीच में एक मैसेज छोड़ देती हूँ कि मैंने ऐसा किया है, शी इज़ ऑलवेज़ वेरी हैप्पी। उन दिनों जब भी शूटिंग पर रहती हैं तो कितनी भूख लगती है तापसी जी को एंड क्या क्या खाती हैं? जब मैं शूट पर होती हूँ मैं वहाँ का जो लोकल खाना होता है उसका मील प्लान बना के मुझे मिलता है। तो अगर जैसे मैं बताया मैं लखनऊ में थी तो मैं वहाँ पे बास्केट चाट भी खा रही थी, मटर की चाट भी खा रही थी, मटन बहुत खा रही थी वहाँ पे मैं। जब मैं जयपुर में थी तो वो दाल की उसमें तो दाल बाटी चूरमा उधर भी खा रहा, हाँ वहाँ जयपुर में थी तो उधर खा रही थी वो दाल बाटी चूरमा उधर, वो देख के काफ़ी लोग सोचते ये क्या डाइट प्लान हुआ। बट आई थिंक मुनमुन का ये मानना है कि जहाँ पर हो, जैसे वेन इन रोम लिव एज वुमन्स, तो वो वाला हिसाब है, जहाँ पर आप हो उसके वेदर और वहाँ पे लोकल क्या फूड है वो खाना चाहिए, जो वहाँ की लोकल प्रोड्यूस है, वहाँ से जो फ्रेश बनता है, जो वहाँ का सदियों से बनता आ रहा है वहाँ पे खाना, वो खाना चाहिए। तो मैं ये सब डिपेंडिंग अपॉन वेदर क्या चल रहा है और कौन से एरिया में गई हूँ शूट करने, उस हिसाब से मैं मेरा डाइट प्लान बनता है। इतना सब कुछ खाते हैं, इसके अलावा भी इतना फिट रहती है तापसी जी? अच्छा खाना खाती हूँ मैं, मतलब ये सब क्या खाते हो वो डिपेंड करता है, या मतलब ये जो मिथ है ना, ऑब्वियसली प्रोसेस्ड फूड खाओगे अगर बहुत ज़्यादा दिन रात तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो वो अगर आप जो नॉर्मल हमारा खाना बनता है, जो मतलब सदियों से बनता आ रहा है, जिसको लोग अब फैंसी फूड के लिए उन्होंने छोड़ दिया उसको पीछे, तो वो खाओगे तो फिर ऑब्वियसली फिट पड़ेगा। ये जो खाने में डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी मतलब कि हम जितनी ज़्यादा वैरायटी खाएं खाने में उतना हमारा गट स्ट्रांग होता है और हेल्थ अच्छी होती है। अब इनके डाइट में डाइवर्सिटी लाने का मुझे ये बड़ा अच्छा तरीका मिला क्योंकि ये ट्रैवल बहुत करती हैं, ऑलमोस्ट लाइक हाँ 12 महीने में 10 महीने तो बाहर ही होती हैं ये, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक यू नो एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि जब जब ये ट्रैवल करे तब तक मैं इनका प्लान चेंज करूँ, वहाँ की चीज़ें डालूँ, तो इससे क्या होगा कि इनका जो हेल्थ है, इनका जो गट है वो एक्सपोज होता है एक बहुत वैरायटी ऑफ फूड से, जिससे हेल्थ बनती ही है, हेल्थ ख़राब नहीं होती है, फिटनेस आता है, फिटनेस जाता नहीं है। तो वही यू नो इनके साथ मैं ट्राई करती हूँ, एंड द फैक्ट इज़ कि ये इंजॉय करती हैं उस खाने को जितना, मतलब मैं ट्राई किया मैंने सब तरह का लोकल खाना, सब से उधर देहरादून ना ब्लड की शूट कर रहे थे तो भांग की चटनी भी दी थी। हाँ, मैं भांग की चटनी, मैंने कहा आई यू श्योर, मतलब मैं भांग की चटनी खा सकती हूँ कि मतलब कुछ अजीब इफेक्ट तो नहीं होगा उसका? तो वो भांग की चटनी बकायदा खाई है मैंने काफ़ी। एंड हेम्प सीड्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जिसका काफ़ी वेस्ट में यू नो फोबिया, मतलब नॉट फोबिया, फोबिया इज़ रॉन्ग वर्ड, बट वेस्ट में बहुत क्या क्रेज है कि हेम्प सीड्स बहुत न्यूट्रिशियस है, ये है वो है, हमारे यहाँ हम उसको भांग ऐसे ही मतलब हमारे लिए सिर्फ होली के टाइम याद आता है भांग पे याद आ रहा है। चलिए जाते जाते मिशन इम्पॉसिबल के बाद कुछ कहेंगे, आज रिलीज हुई है, मुझे भी अभी मैं आज सुबह यहाँ पे उठ के आ गई हूँ वर्कआउट वगैरह करने के बाद, तो मुझे पता नहीं है अभी क्या स्टेटस है, अभी जाके वो की प्रोड्यूसर से, बट आई एम डूइंग अ स्पेशल अपीयरेंस इन दैट, वो तीन बच्चों की कहानी है, तो मुझे बहुत प्यारी लगी कहानी, तो मेरा मन किया उसका हिस्सा बनने का जब मुझे ऑफर हुई। तो वास्तविक बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप साड़ी में एंड लाइक डिफरेंट हेयर स्टाइल, थैंक यू थैंक यू, बहुत ही सुंदर। तो कुछ कहेंगे आप ये तो आउटफिट के बारे में? आई जस्ट क्रेडिट देव की आज इट स्टाइल्स मी रियली वेल,
और जो मेरा हेयर मेकअप करते हैं वो मतलब दे मेक श्योर जो मुझे सूट करता है वो करते हैं, और जब अच्छा जब मुझे सूट करता है तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।